गाइस व्हाट्सअप, दिस इज फोर्थ एम्पायर, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं कोरोना वायरस वैक्सीन के करंट स्टेटस से जुड़ी हुई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक और मेडिकल रिसर्चर्स दिन रात मेहनत कर वैक्सीन विकसित करने में लगे हुए हैं। वैक्सीन को विकसित करने में कई साल लग जाते हैं क्योंकि इससे कई क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। वैक्सीन से साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने के काम तेजी से हो रहा है। हमारे पास कोविड-19 के लिए 100 से अधिक संभावित टीके हैं। स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 7 से 8 वैक्सीन पर भरोसा जताया है, जिन्हें तैयार करने का प्रयास तेजी से चल रहा है। इस दौड़ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन को प्रमुख संभावित टीकों में से एक माना जा रहा था। वैक्सीन कैंडिडेट CHAD-OX1 एन कोविड-19 के लिए शोधकर्ताओं ने सामान्य कोल्ड के कमजोर वायरस एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया, जो चिंपैंजी से संक्रमण का कारण बनता है, और इसे SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के जेनेटिकल मटेरियल के साथ मिलाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है यह वैक्सीन का ट्रायल शुरुआती चरण में ही फेल हो गया। इस वैक्सीन का बंदरों पर कोई खास असर नहीं दिखा। वैक्सीन को इस तरह से तैयार किया जा रहा था कि जब शरीर में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन प्रवेश करें तो यह उसे पहचान ले और उसे खत्म करने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार करे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 वैक्सीन दुनिया भर में तैयार की जा रही टॉप 8 वैक्सीन में से लिस्टेड थी। चिंपैंजी पर हुए परीक्षण के बाद इसे तैयार करने के लिए वैज्ञानिक और रिसर्चर को निराशा हाथ लगी। यह केवल आंशिक रूप से प्रभावी है क्योंकि यह संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं था। अक्टूबर तक 4 करोड़ वैक्सीन तैयार कर लेने का था टारगेट। दोस्तों आज की ताजा खबर में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए पीस आउट।